से आज तिरंगा गर्व से खड़ा है, जो हमारी आजादी, हमारी एकता और हमारी अटूट देशभक्ति का प्रतीक है। आइए अपने राष्ट्रीय ध्वज की कहानी में गोता लगाएं, जो गर्व और आजादी का प्रतीक है। इंडियन नेशनल फ्लैग सिर्फ कपड़ा और रंग नहीं है, ये हमारी नेशन की मेहनत से मिली आजादी की निशानी है। तिरंगा लाखों इंडियंस की उम्मीदों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। ये एकता और देशभक्ति की भावना जगाता है, हमें हमेशा इसका पूरा सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी व्यक्ति की कमर के नीचे पहने जाने वाले परिधान या वर्दी या किसी भी प्रकार के सहायक उपकरण के रूप में नहीं किया जाएगा, न ही इसे कुशन, रुमाल, नैपकिन, अंतर्वस्त्र या किसी भी परिधान सामग्री पर कढ़ाई या मुद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज पर कोई अक्षर नहीं होना चाहिए। आइए हम हमेशा अपने तिरंगे के महत्व को याद रखें। इंडियन नेशनल फ्लैग को फहराने का अधिकार फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 द्वारा नियंत्रित होता है। ये कोड हमारे राष्ट्रीय प्रतीक की गरिमा और सम्मान को सुनिश्चित करता है। संशोधन के बाद सभी भारतीय नागरिकों को फ्लैग फहराने की अनुमति मिली। आइए हम गर्व और जिम्मेदारी के साथ फ्लैग फहराने का अधिकार प्रयोग करें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसे सम्मान पूर्वक फहराएं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल फ्लैग के लिए सही डायमेंशन निर्दिष्ट करता है। ये दिशा निर्देश तिरंगे की गरिमा बनाए रखते हैं। ये अनुपात संतुलित रूप सुनिश्चित करता है। क्षतिग्रस्त या फीका इंडियन नेशनल फ्लैग कभी नहीं फहराना चाहिए। फटे, गंदे या फीके झंडे को फहराना अपमानजनक है। फ्लैग कोड ऐसे फ्लैग को नष्ट करने का तरीका बताता है। इसे पूरी तरह से जला देना चाहिए। यह ध्वज की पवित्रता का प्रतीक है। तिरंगा फहराने के क्या करें और क्या न करें? इंडियन नेशनल फ्लैग को हमेशा गरिमा और सम्मान के साथ फहराया जाना चाहिए। इसे कभी भी जमीन या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए। दिशा निर्देशों का पालन करके हम तिरंगे के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं। पहियों पर तिरंगा गर्व और प्रोटोकॉल का मामला। वाहनों पर इंडियन नेशनल फ्लैग का प्रदर्शन गर्व और प्रोटोकॉल का विषय है। केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ही अपने वाहनों पर फ्लैग फहराने की अनुमति है। यह नियम हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बनाए रखता है। हमारे राष्ट्र के प्रतीक का भंडारण उपयोग के बाद, विशेष रूप से राष्ट्रीय आयोजनों के बाद, इंडियन नेशनल फ्लैग को साफ और सूखी जगह पर स्टोर करना चाहिए। यह हमारे राष्ट्र की पहचान है। कानूनी निहितार्थ। इंडियन नेशनल फ्लैग का अनादर दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971। कानून हमारे प्रतीकों के सम्मान की याद दिलाता है। तिरंगे की भावना। इंडियन नेशनल फ्लैग विविधता में हमारी एकता का प्रतीक है। यह हमारे देश की महानता का प्रतीक है। फ्लैग के प्रति हमारा कर्तव्य सम्मान की विरासत। यह जिम्मेदारी हमें इस राष्ट्र के नागरिक होने के नाते मिली है। इस ध्वज के प्रति सम्मान बनाए रखें।